गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु संस्कृत भाषा से प्रेरित इस शब्द का मूल्य सभी के जीवन में बहुत गहरा होता है। गु यानी अंधकार और रू यानी दूर करना, यानी गुरु वो होता है जो हमारे जीवन में से अज्ञानता भरे अंधकार को दूर करने में हमारा साथ दे, एक बेहतरीन मित्र बनकर, एक आदर्श प्रेरणा बनकर। आज हम ऐसे ही एक गुरु से परिचित होने वाले हैं जिन्होंने अपने मार्गदर्शन द्वारा 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रेरित किया है। श्री धीरज पुजारा, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एलुमनी और रॉयल टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, बतौर एजुकेशनिस्ट और कोच के रूप में विस्तृत अनुभव रखते हैं। जहां एक तरफ दुनिया में टेक्नोलॉजी की ओर तेज गति से प्रगति कर रही है, वहीं दूसरी ओर हम अपने कल्चरल रूट से थोड़ा थोड़ा करके दूर जा रहे हैं। इन्हीं दो विपरीत परिस्थितियों की मजबूत कड़ी बनकर खड़े हैं श्री धीरज पुजारा, जो दृढ़ रूप से मानते हैं कि पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाली टेक्नोलॉजी को सीखना हर किसी के लिए आसान होना चाहिए और साथ ही अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना हमारे लिए गर्व सबर होना चाहिए। इसी सोच के साथ श्री धीरज पुजारा ने रॉयल टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से क्लब क्लास एक्टिविटी की शुरुआत की, जहां स्टूडेंट्स अपनी क्षमता के अनुसार टेक्नोलॉजी का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। हजारों सेमिनार्स और अनगिनत मार्गदर्शन द्वारा श्री धीरज पुजारा ने न जाने कितने सारे बच्चों की कारकीर्दी को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही साथ धीरज पुजारा अपने स्टूडेंट्स के आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास हेतु उन्हें योगा और मेडिटेशन भी सिखाते हैं। इतना ही नहीं, अग्निहोत्रा फाउंडेशन के अंतर्गत करीब 25,000 से भी ज्यादा परिवारों को यज्ञ में जुड़ने के लिए प्रेरित किया है और यज्ञ किट का निःशुल्क वितरण भी किया है। श्री धीरज पुजारा का मानना है कि अगर आप सफलता हासिल करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा काम और धर्म की ओर देना चाहिए और हमारे शास्त्रों के अनुसार गौ को माता का स्थान दिया गया है क्योंकि इनमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। इसीलिए श्री धीरज अपने शिष्यों के साथ मिलकर आए दिन गौशाला में चारा खिलाने और दान करने में सक्रिय रहते हैं। वो अपने शिष्यों के साथ मिलकर गौशाला में सेवा भी अर्पण करते हैं, जो संस्कृति और धरती माता से जुड़े रहने की अनुभूति कराता है। इसी के साथ सभी को शिक्षा का लाभ प्राप्त हो, इस हेतु से श्री धीरज पुजारा ने बिना माँ बाप के बच्चों के लिए निःशुल्क अभ्यास की भी व्यवस्था शुरू की है। यहाँ तक कि 12वीं के बाद श्री धीरज ऐसे बच्चों को साथ बनाए रखते हैं और उन्हें अच्छी नौकरी दिलाने के प्रयत्न में जुड़े रहते हैं। गुरु अपने हर शिष्य के साथ ज्ञान की एक नाड़ी से जुड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय आता है जहाँ शिष्य को जीवन में अपने गुरु को छोड़कर आगे बढ़ना अनिवार्य हो जाता है। एक महान गुरु इस सही समय की कद्र करके अपने शिष्यों को उस नाड़ी से मुक्त करते हैं और उसे जीवन में सफलता पूर्वक आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। श्री धीरज पुजारा अपने सभी शिष्यों को इसी आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने की और जीवन में नई उड़ान भरने की प्रेरणा देते हैं। एक उच्च कोटि के गुरु की इससे बेहतर और कोई पहचान हो सकती है क्या बता? दात्रक दिन्ना दा दिन्ना दा दिन्ना तिटकत गदिगन दात्रक दिन्ना दा दिन्ना दा दिन्ना तिटकत गदिगन दा शंका मृदु
रण धूल रणंका भेद बणंका गगन धणंका गैरे सा जय दे जय 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 देव सुदेशा हरण कलेशा मगन हमेशा माहेशा मगन हमेशा माहेशा।